दोस्तों, आप तो सुन रहे थे मेरे चैनल ऐसे थी बस उमर वाल पे। आई होप आप सभी अच्छे हो रहे। तो आज दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आप तो गुजराती दिवस पढ़ाने वाले हैं। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए बिना देरी से हम वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुजराती सीमा तीन राज्यों से लगती है। तो गुजराती सीमा ये हमारे राजस्थान से लगती है, ये मध्य प्रदेश से लगती है और ये महाराष्ट्र से लगती है। और आज हम गुजराती दिवस पढ़े रहे। तो गुजराती दिवस तो हम गुजराती दिवस ज़्यादातर नॉर्थ से साउथ में बहती है। नॉर्थ से साउथ में ये दिवस बहती है। तो इसकी हमने तिथि यहाँ पर लिखी है जिसका नाम है समानता। आप तो यहाँ पर ये दिख रही हुई थी, तो इसका नाम है समानता। अब ये तिथि है। अब हम इस तिथि को हम कैसे याद कर सकते हैं तो अब हम इस तिथि को हम कैसे याद करें। तो इस तिथि को याद करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये याद करना होगा समानता। अब सा से बना हमारा सबरावती नदी, मा से बना हमारा माही नदी, ना से हमारा बना नर्मदा नदी और ता से हमारा बना ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है वो बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है। और तैना चौड़ी में तो आज की वीडियो अब मैं दिखा रही हूँ जो साबरमती नदी है ये कहाँ पर है। साबरमती का निशान मेरे ब्लू दिखाया है यहाँ पे। तो साबरमती ये राजस्थान से उदयपुर से यहाँ पर इनका उदयपुर पड़ता है। राजस्थान से उदयपुर से ये अहमदाबाद में अहमदाबाद शहर में आती है। और ये यहाँ पर ये थंबरती थारी में ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं। और अहमदाबाद में यहाँ पर आश्रम साबरमती आश्रम भी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की जिसका नाम है माही नदी। तो माँ से हमें याद हो जाएगा। अब माही नदी का मेरे निशान पर्पल दिखाया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब ये माही नदी पे तांदाना बांध है। और सबसे पहली बात ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। तो थी ये हमारी बिलैत तलती हमारी तट देता तो ये दो वात आती आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक वात आता और यहाँ पर दूसरी वात आता। तो माही नदी ये है। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी यहाँ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये जो यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश है इसकी ये दिया है नर्मदा नदी जीवन रेखा है। और ये मध्य प्रदेश से गुजरात में आती है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आई गुजरात में। और सारदर सरोवर बांध है इस नदी के ऊपर। सरोवर बांध है इस नदी पे। और अब हम पढ़ते हैं तापी नदी। ये जो तापी नदी है ये बहुत एग्जाम में हमारी पूछी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्यों थी इस नदी के किनारे हमारा सूरत शहर बचा हुआ है। ये यहाँ पर हमने सूरत शहर दिखाया है, सूरत शहर बचा हुआ है। और दूसरी बात अभी यहाँ पर कौन सी परियोजना चल रही है, यहाँ पर आताई परियोजना चल रही है। ये नदी तो इस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं आई होप कि आप सभी तो ये गुजराती दिवस अच्छे से याद हो जानी चाहिए। मेरे आप तो याद करवाने का पूरा प्रयास किया है। तो
मिस वीडियो तो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आप तो जल्द ही वीडियो दूसरी आप तो मिल जाएगी। और मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।